सदगुरु कबीर का एक पद है, रिकॉर्डिंग में आप लोगों ने अनेक बार यह पद सुना होगा और इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, फिर से याद करें। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले साबुन ले ले मल मल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होए। याघट भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती होए, सुखिया बैठे भजन करत हैं दुखिया दिन भर रोए। याघट भीतर अगिन जरत है धुआं न प्रगट होए, कीचित जाने आपन भाई कै सिर बीती होए। जड़ बिनु बेल, बेल बिनु तुम्बा, बिनु फूले फल होए, कहें कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन ज्ञान न होए। साहेब तेरा भेद न जाने कोय, सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ साहब, हे साहब, तुम्हारा भेद तुम्हारा रहस्य कोई जानता नहीं है। कोई नहीं जानता का मतलब है बहुत कम लोग जानते हैं। अतिशयोक्ति में ऐसा कह दिया जाता है और कबीर वाणी में इस ढंग का कथन अनेक बार आया है, किंतु सभी जगह इसका अर्थ है बहुत थोड़े लोग। साहेब, कबीर पंथ से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो लोग कबीर पंथ से परिचित हैं, सब जानते हैं कि साहेब अपने से बड़ों को संबोधन में कहा जाता है या आपसी प्रेम व्यवहार बराबरी वालों को कहा जाता है, नाम ही रखा जाता है पुकारने के लिए। यहां पर किंतु जिस साहब की बात यहां कबीर साहब कहते हैं वो साहब है कौन? साहब, साहब मूल रूप में अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी का शब्द नहीं है ये, लेकिन अब हिंदी में प्रचलित हो गया है, मूलतः अरबी उर्दू का शब्द है और इसका अर्थ होता है ईश्वर, मालिक, आदरणीय। बीजक में साखी प्रकरण में कबीर साहब ने साखी कही जिसमें भी ये कहा है, साहेब साहेब सब कहें मोह अंदेशा और, साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कि ठौर। सभी लोग कह रहे हैं साहेब साहेब साहेब, जाने यो जाने वो जाने, आपस में साहेब साहब कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, ईश्वर जाने परमात्मा जाने
अमुक जाने, साहब कहते लेकिन मुझे तो कुछ और ही अंदेशा है, संदेह है। असली साहब से इन लोगों का परिचय नहीं है, असली साहब कोई लोग जानते नहीं हैं, तब इनकी स्थिति कहाँ होगी, इन्हें विश्राम कहाँ मिलेगा, वो साहब कौन है। जबान से ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा गाड़ यहोवा जीव आत्मा ये शब्द लोग दोहराते रहते हैं, परंतु इन सारे शब्दों की चरितार्थता कहाँ होगी, किसमें होगी, कैसे होगी, इस बात को बहुत थोड़े लोग जानते हैं और यह बात पर बहुत थोड़े लोग चिंतन करते हैं। बात बात में ईश्वर को दुहाई देने वाले, तो बहुत मिलेंगे आपको बात बात में ईश्वर, भगवान जाने, परमात्मा जाने, खुदा जाने, तब आप क्या जानते हो भाई। ईश्वर की कृपा महाराज, ईश्वर की कृपा, परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा, ठीक है। भाई वहां सत्संग हो रहा है, आना। हाँ महाराज, ऊपर वाले की कृपा हो जाएगी तब। क्या आपका ऊपर वाला आप पर नाराज है जो कृपा नहीं कर रहा है? महाराज ऊपर वाला का जब, ऊपर वाले जब कृपा होगी तब कल्याण का काम होगा। क्या ऊपर वाला आपको बंधन में बांधे रहना चाहता है? कुछ भी अच्छा काम करने को कहो, महाराज हम में क्या शक्ति है? जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होगी हम भला क्या कर सकते हैं। आदमी सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देता है। कभी सुना है महाराज हम में क्या शक्ति है? जब तक ऊपर वाला कृपा नहीं करेंगे हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? वो तो जब कृपा करेंगे तभी झूठ बोलेंगे ना। हम तो झूठ नहीं बोला जाता महाराज, हम तो सच ही बोलते हैं। ऊपर वाला कृपा कर देगा झूठ बोल लेंगे। महाराज हम पे कहा शक्ति है? जब तक ऊपर वाला कृपा नहीं करेगा हम चोरी कैसे कर पाएंगे भला? ऊपर वाला कृपा करेगा महाराज चोरी कर, तब हम चोरी कर पाएंगे, अन्यथा हम चोरी तो नहीं कर पाएंगे। किसी चोर को ऐसा कहते सुना है? कोई कहा है भाई ऊपर वाले कृपा बिना हम घूस कैसे ले सकते हैं? किसी का लड़का कोई गलत काम कर रहा हो, गलत रास्ते पर जा रहा हो उसे कहा जाए अरे तुम्हारा लड़का गलत काम कर रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, गलत साथ बैठ रहा है, थोड़ा उसको डांटो फटकारो, थोड़ा समझाओ तो। महाराज ऊपर वाले कृपा नहीं होगी तब तक कैसे डांटे महा बेटे को? कोई कहता है क्या? जितना गलत काम अपनी कृपा और कल्याण का काम आएगा तब ऊपर वाले की कृपा। कैसा कायर बना हुआ है आदमी। ऊपर वाला पवित्र है, निर्मल है, दयालु है, कृपालु है, तब आप
को वो अच्छा काम करने पर सेवा भक्ति कल्याण का काम करने में रोकेगा कैसे? पर ये सोचो तो ईश्वर ईश्वर की दुहाई दे देना, सब कुछ ईश्वर की कृपा से हो रहा है। तो फिर आपको कुछ काम करने की क्या आवश्यकता क्या है? यदि सब कुछ ऊपर वाले कृपा से हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है, कहने में तो बात बड़ी अच्छी लगती है, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ते भी हिलते नहीं खिले न कोई फूल। लगता है बड़ी भावना वाली बात है, वहाँ भक्ति की बात है। ऊपर वाले की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, कोई फूल नहीं खिल सकता, तो बड़े बड़े गबन घोटाला कहाँ से हो रहा है? किसी कृपा से हो रहे हैं, वो भी ऊपर वाला कृपा है। कोई आतंकवादी मार रहा है लोगों को, निर्दोष लोगों को, ऊपर वाले कृपा है, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, तो ऊपर वाले कृपा के बिना आतंकवादी की बंदूक से गोली कहाँ से निकलेगी? वो हिलेगी कैसे? उसका मशीन गन हिलेगा कैसे? तो ऊपर वाले कृपा है, ऊपर वाले कृपा से मिलावटबाजी हो रही है, चोरी हो रही है, घपलेबाजी हो रही है, गबन हो रहा है, मासूम लड़कियों पर बलात्कार हो रहा है, सब कुछ तो ऊपर वाले कृपा है भाई। तो इतने हम लोगों मेहनत करने की जरूरत क्या है? फिर ऊपर वाले कृपा के बिना पत्ते भी नहीं हिलता। आप लोग खेत में जाना बंद कर दो, खेत जोतना, सींचना, दवाई डालना, ये करना सब बंद कर दो, ऊपर वाला चाहेगा हो जाएगा। कितनी मेहनत करने की आज जरूरत है किसान को? अभी बरसात नहीं हो रही, ऊपर वाले की कृपा है। भटक गए है आदमी, ऊपर वाला कहते कहते तथ्य से भटक गया है। देवी कहना, देवी देवता कहना, परमात्मा कहना, उसका अर्थ समझो पहले। ऊपर वाले कृपा भी कह रहा है, गलत चीजें खा पी भी रहा है, ईश्वर मानना अलग बात है और ईश्वर को जानना अलग बात है। मानने से काम नहीं बनेगा, जानने से काम बनेगा। बड़ी भक्ति भावना के साथ लोग कहते हैं, प्रभु परमात्मा ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, कहाँ नहीं हुआ, वो तो सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानने वाला, हर जगह कण, जब कण कण में है तो कुछ बाकी नहीं है। ये बात अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन ईश्वर कण कण में व्याप्त है और वो सर्वांतर्यामी है, इस बात पर विश्वास 1 करोड़ लोगों में 1 या 2 को हो सकता है। हुआ है, हुआ है, नहीं हुआ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन किसी 1 करोड़ में 1-2 आदमी को हो जाए ना तो बड़ी बात है। लिखा है शास्त्रों में, कहते भी हैं, बड़े बड़े मंच पर लोग कहते हैं, झूठ है कहना, जो कहने वाला को खुद विश्वास नहीं है। कितना बड़ा महात्मा हो, जो कहता है कि ईश्वर कण कण में है, उसे खुद भी विश्वास नहीं है, बस लिखी बात है, दोहराते चला जा रहा है। कोई ऐसा आदमी हो, कोई भी होगा ही नहीं, शरीर साफ होगा, निर्मल नहीं हो, कि जिस आदमी को ये पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, ये दिखाई पड़ता है, ईश्वर कण कण में निवास करता है, श्याम के अंदर, और वो सर्वांतर्यामी है,
उसके जीवन में कभी कोई गलत बात नहीं हो, मल है, कोई गलत काम मूत्र है, क्योंकि जहां भी गलत काम करोगे वहां ईश्वर है, कफ है, गलत सोचो ईश्वर तुरंत जान लेगा। इनमें से कौन चीज पवित्र है? दूसरे के लिए ईर्ष्या द्वेष की बात सोच रहे हो, दूसरों के लिए कैसे गलत गलत बात सोच रहे हो? ईश्वर तो जान रहा है, ईश्वर विश्वास है कि मैं गलत बात सोचूंगा ईश्वर जान लेगा, मुझे इसका फल दे देगा, विश्वास है क्या? ईश्वर कण कण में जब व्याप्त है तो झूठ किससे बोल रहे हो? धोखा किसको दे रहे हो? झगड़ा किससे कर रहे हो? लड़ाई किससे कर रहे हो? आजकल हिंदू मुसलमानों में तकरार बढ़ाने का, विभेद बढ़ाने का, बैर विरोध बढ़ाने का काम चल रहा है, पता नहीं तमाम लोग लगे हुए हैं इसमें, ये विरोधी है। हिंदू लोग कहते हैं प्रायः, आम हिंदू नहीं कहता, सामान्य हिंदू जो है वो लोग नहीं कहते, ये बड़े बड़े जिनको आप ज्ञानी महात्मा कहते हो ना वो लोग कहते हैं, बड़े बड़े पंडित पुजारी तमाम उनमें से सब लोग नहीं कहते, बहुत लोग कहते हैं अरे ये मुसलमान मलेच्छ है, नास्तिक है। मुसलमान लोग क्या कहते हैं? जर्रे जर्रे में खुदा है, कुल्लहु अल्लाह, कण कण में भगवान है और जर्रे जर्रे में खुदा है, दोनों का अर्थ एक है, भाषा शब्द अलग अलग है, बस। मुसलमान लोग कहते हैं ये हिंदू काफिर, नरक में जाएंगे। प्रश्न यह है, जो लोग कहते हैं ये मुसलमान ईसाई आदि मलेच्छ है, नास्तिक है, तो क्या उनमें परमात्मा नहीं है? क्या वो तुम्हारे कण कण से बाहर है? यदि कण कण में परमात्मा है तो मुसलमान और ईसाई में भी परमात्मा होगा, तो परमात्मा मलेच्छ कैसे हो जाएगा? परमात्मा नास्तिक कैसे हो जाएगा? परमात्मा तो पूजनीय है ना, परमात्मा तो पवित्र है। मुसलमानों के ख्याल से गैर मुसलमान काफिर है और नरक में जाकर उन्हें दुख भोगना पड़ेगा। प्रश्न यह है कि जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो हिंदुओं में भी होगा, तो काफिर कैसे हो गया? फिर तो तुम खुदा को ही काफिर कह रहे हो, और खुदा तो निर्मल है। और फिर जब कण कण में परम भगवान है, जर्रे जर्रे में खुदा है, तो नरक में भी भगवान होगा, और जहां भगवान है वहां तो दुख हो नहीं सकता, जहां भगवान है वहां तो सुख है, आनंद है, शांति है। फिर जब नरक में भी भगवान, और भगवान चाहे वहां आनंद, तो नरक में पापियों को दुख कैसे मिलेगा? जरा सोचना, उन्होंने पूछना जो लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि भगवान का अर्थ है मंगलमय, परमात्मा ईश्वर का अर्थ है मंगलमय, सुख का धाम, आनंद का धाम। और सर्वत्र जब कण कण में परमात्मा है तो नरक कहां से आ गया? वो कण कण से बाहर है क्या? अपनी बात लोग खुद समझ नहीं पा, अपनी बात अपने कान से सुन नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, कितना भटका हुआ है आदमी। इसलिए साहब को कहना पड़ा, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, हे साहब तुम्हारा भेद रहस्य जान नहीं पाता। उस साहब को चाहे ईश्वर कहो, चाहे उस साहब को चाहे आत्मा कह लो या परमात्मा कह लो, यदि ईश्वर पर दृढ़ विश्वास है तो किसी से बैर विरोध नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, किसी के लिए कोई गलत काम कर ही नहीं सकोगे। जिसके साथ हम गलत काम कर रहे हैं वो ईश्वर ही है। ईशावास्य उपनिषद जो पहली उपनिषद है,
थोड़े मंत्रों की उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसको अलग करके ईशावास्य उपनिषद बना लेगा, जिसको संक्षिप्त में कहते हैं ईश उपनिषद। उसका पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यच्चिन् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधाकस सिद्धनम्। ईशावास्यम इदम सर्वम यच्किंच जगत्याम जगत्, जगत में जगत जो कुछ है अर्थात संसार में जो कुछ भी है, ईशावास्यम इदम सर्वम, यह मान लो कि सब में ईश्वर बसा हुआ है। ऋषि का आदेश है कि मानो इस सब में ईश्वर बसा हुआ है। जब सब में ईश्वर बसा हुआ है तो ईश्वर की पूजा की जाती है, ईश्वर से बैर विरोध नहीं किया जाता, ईश्वर से लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता, ईश्वर से झूठ नहीं बोला जाता, ईश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता, ईश्वर के साथ गलत काम नहीं किया जाता। सबको पूजा करो, कौन अपना है कौन पराया हुआ फिर। और ईश्वर सब कुछ में बसा हो इसका मतलब किसी भी चीज का दुरुपयोग मत करो। छोटी से छोटी चीज का सदुपयोग करो। जो निर्जीव पदार्थ हैं, जड़ वस्तुएं, उनका सदुपयोग। और मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, तब समझ माना जाएगा कि हाँ ईश्वर कण कण में व्याप्त है, ये बात स्वीकार्य है और ऐसा आचरण में है। ईश्वर कण कण में है, बड़ी अच्छी बात है ना, भक्ति भावना की बात है। ईश्वर जब कण कण में है तो मछली मुर्गा में भी तो होगा ना, तब मारकर काहे खा रहे हो। मतलब ईश्वर को ही मारकर खाए, ईश्वर ही ईश्वर को मार करके खा रहा है। मनुष्य हम भी ईश्वर, मछली भी ईश्वर, बकरा भी ईश्वर, मुर्गा भी ईश्वर, ईश्वर ईश्वर को मार करके खा रहा है। बात सच है या नहीं है समझना विचारना एक बार। इसलिए मैं कहता हूं ईश्वर कण कण में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, मछली मुर्गा बकरा को छोड़ करके बाकी सब में है। कितना भटक गया है आदमी। इसलिए मैंने कहा कि ईश्वर कण कण में है, ये बात लोग भले कहते हो, विश्वास नहीं है लोगों को, ये जबानी सौदा है और जबानी सौदा से काम नहीं बनता है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो किसी का भी हो। जीवन का आचरण का कोई ठिकाना नहीं है, खान पान का ठिकाना नहीं है। मैं शुद्ध आत्मा, चलो इधर आ जाए, आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल निर्विकार है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। हम ईश्वर नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, अच्छी बात है। तो आत्मा तो निर्मल है ना, शुद्ध है, निर्मल निर्पवित्र है। हमारा व्यवहार शुद्ध है, हमारा खान पान शुद्ध है, हमारा रहन सहन, हमारा आचरण शुद्ध पवित्र है। मैं शुद्ध आत्मा हूं कहने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी क्या? हम लोग दोहराते रहते हैं अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, ठीक है। जीवन का कर्म ज्ञान पूर्वक हो रहे हैं या अज्ञान पूर्वक हो रहे हैं? जब आप ज्ञान पूर्वक आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, तो अज्ञान जनित काम क्यों हो रहा है? जब आप आत्मा है, अहम शुद्ध चेतन है, शुद्ध चेतन है, तो खान पान में शुद्धि कहां से आ गई, बात व्यवहार में शुद्धि कहां से आ गई, जीवन में शुद्धि कहां से आ गई? तो जबान से रट लेना मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं बहुत सरल है, इसी को तो जीना है। जिस प्रकार से
ये जो जीव है, आत्मा है या परमात्मा है, शुद्ध है, निर्मल, उसी प्रकार से जब हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन, खान पान, काम धाम, सोचना विचारना सब शुद्ध निर्मल हो जाए, तब समझना हाँ अब मुझे साहेब का भेद मालूम हो गया है, अब मैं आत्मा या परमात्मा को जी रहा हूं, उसको मुझे अनुभव है और इसी के लिए काम करना है। लोगों की शिकायत, महाराज इतने दिन से हो, इतने दिन हो गए पूजा करते, भक्ति करते, भगवान का नाम जपते, लेकिन आज तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, आत्मा के साक्षात्कार नहीं हुए। आप पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, परमात्मा का नाम जप रहे हो, अच्छी बात है, जीवन का आचरण क्या हाल है पहले ये सोचो। जैसा ईश्वर पवित्र है, क्या अपना व्यवहार वैसा पवित्र है, अपना कर्म वैसा पवित्र है? साधना क्या है? मात्र घर छोड़ देना साधना नहीं है। और यहां हम आग बंद करके सीधा एक घंटा बैठ गए, इतनी साधना नहीं है, हमारे इतनी साधना हो गई नहीं। ये मन भी हमारा तभी तक रुकेगा जब तक हमारा सोचना विचारना खाना पीना काम धाम शुद्ध निर्मल होगा। खान पान बिगड़ा हुआ है, बाद व्यवहार बिगड़े हुए हैं, कर्म आचरण बिगड़े हुए हैं, लाख प्रयास कर लो कभी मन आपको रुकने वाला नहीं है, वो गलत आदत आपको परेशान करती रहेगी, मन को उद्वेगित करती रही गलत आदत, कहां से रुकेगा मन? हमारा सब कुछ मैला है ना, गंदा। इल्ल साहब को कहना पड़ा कि साहेब तेरा भेद न जाने को, हे साहेब तुम्हारा भेद कोई जानता नहीं, मतलब बिरले बिरले लोग जानते, उन बिरले में हमारा आपका भी नंबर लग सकता है, लगाना चाहे तो। कोई भी साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी का भी नंबर लग सकता है। पूर्ण पवित्रता कोई भी कारण में ना हो, बस कौन सा कपड़ा पहनते हैं, मठ में रहते हैं कि घर में रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है मन की विकारहीनता। कहते मन, मन का निर्विकारता, मन की निर्मलता। निर्मल मन में ही आत्मानुभव होगा, उस आत्मानुभव के आप परमात्मा का साक्षात्कार कह लो, ईश्वर का साक्षात्कार, कुछ भी कह लो। तो जिसका मन ऐसा हो जाएगा पूरा निर्मल, वही उस साहेब का भेद जान पाएगा। इसलिए हर आदमी को जीवन व्यवहार ऐसा बनाना है कि उत्तरोत्तर हमारे मन के विकार घटते जाएं, मन का मैल दूर होता चला जाए और मन निर्मल शुद्ध पवित्र होता चला जाए। मन ही तो मूल कारण है ना, बिगड़ा तो मन है। तीन चीजें हमारे पास में है, पहला शरीर, ये दिखाई पड़ रहा है, स्थूल है यह। दूसरा है हमारा मन, वो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सुख दुख का कारण वही है, बंधन मोक्ष का कारण वही है,
और तीसरे है, तीसरे हम जीव या आत्मा चेतन को परमात्मा जो कुछ भी कह लो, ये तीन चीजें हैं। अब तीनों में बिगड़ा क्या है, तीनों में साधना किसको है, शुद्ध किसको करना है या ठीक किसको करना है। पहला शरीर है, शरीर के लिए उचित हम व्यवस्था कर सकते हैं, कपड़ा लत्ता खान पान इतना कर सकते हैं। शरीर को क्या ठीक करोगे, शरीर तो जैसा है वैसा है, काला है तो गोरा है तो लंबा है तो ठिकना है तो दुबला है तो मोटा है तो जैसा है वैसा, उसको उसको ठीक क्या करोगे। और शरीर को शुद्ध क्या करोगे, शरीर को हम साफ रख सकते हैं और रखना चाहिए, शरीर को हम शुद्ध नहीं कर सकते, शुद्ध होगा ही नहीं शरीर, साफ होगा निर्मल नहीं होगा। श्याम है ये दिखाई पड़ता है, श्याम के अंदर मांस है, हड्डी है, मल है, मूत्र है, रक्त है, कफ है, थूक थूक है, इनमें से कौन चीज पवित्र है। चाम पवित्र है, अपने शरीर का चाम छिल जाए तुरंत फेंक देते हैं, क्या मांस पवित्र है कि हड्डी पवित्र है कि मलमूत्र पवित्र है कि कफ थूक आदि ये सब पवित्र हैं, कौन पवित्र है, क्या इनको शुद्ध कर सकते हो, साफ रख सकते हो नहा, बस ऊपरे ऊपरे को नहा धो करके। तो शरीर को हम साफ रख सकते हैं, रखना चाहिए, जितने सफाई हो सके साफ सुथरा रखो, लेकिन कुछ भी प्रयास कर लें शरीर को निर्मल या शुद्ध पवित्र बनाया नहीं जा सकता है, चाहे किसी का भी शरीर हो। इसमें हिंदू मुसलमान और स्त्री पुरुष और ब्राह्मण शूद्र की बात नहीं, सबका शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना हुआ है और सबका शरीर का चाम उसी प्रकार का, मांस उसी प्रकार का, हड्डी उसी प्रकार के, मलमूत्र उसी प्रकार के, कफ थूक आदि सब उसी प्रकार के, अलग अलग नहीं है। हिंदुओं के शरीर का मांस अलग है, मुसलमान का अलग है, ब्राह्मण का अलग है, शूद्र का अलग है, स्त्री का अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो शरीर को हम शुद्ध कर ही नहीं सकते, कुछ भी प्रयास कर ले। अभी हम देखते हैं महीना तो बरसात का है लेकिन फिर भी बरसाने होने से गर्मी है, पसीना आता है, जाते हैं नहाने के लिए बाथरूम, साबुन लगा करके रगड़ रगड़ करके धोते हैं, फिर गंदगी साफ हो जाए, नहा लिए, शावर के नीचे भी खड़े होकर के नहा लिए खूब शीतल, कब तक नहाओगे, नहाना बंद किए, तौलिया लिए पोतने लगे, पोतते पोते फिर पसीना आ गया, तब फिर नीचे बैठा नल के, अब फिर जब नीचे बैठोगे फिर जब पहुँचोगे फिर पसीना आ जाएगा, तो कब तक बैठे रहोगे, कहाँ साफ हुआ शरीर आपका, शुद्ध कहाँ हुआ। कितना भी नहा लो, कितना भी नहा लो, पेट की टट्टी धुलेगी क्या। अब आश्चर्य तो यही है, जब तक पेट में टट्टी तब तक नहीं नहाते हैं, जब टट्टी निकल जाती तब जाकर नहा लेते हैं, है ना, उल्टी बात। तो शरीर को तो हम शुद्ध कर नहीं सकते, जैसा है वैसा साफ रखो। अब अंतिम में है जीव आत्मा, वो तो शुद्ध ही है, उसमें तो कोई मैल है, कोई गंदगी है ही नहीं, स्वभाव से वो निर्मल है, निर्विकार है, तो
उस जीव को क्या साफ करोगे, उस आत्मा को, उसे ब्रह्म कहो ईश्वर कहो कुछ भी कर लो, बोलो साफ क्या करोगे उसको, वो तो साफ ही है, पहले से साफ है। तब के फिर इतने हम साधना करते हैं वो किसके लिए, शरीर और आत्मा के बीच में है मन, उसी को साफ रखना है, उसी को पवित्र करना है। साधना उसी मन की पवित्रता के लिए है, मन की निर्मलता मुक्ति का, सुख का, आनंद का कारण, मन की मलिनता बंधन का, दुख का, क्लेश का कारण। इसलिए मन को ही साफ रखना है। योग दर्शन में कहा गया है सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम, कैवल्य जिसे हम मोक्ष कहते हैं या मुक्ति कहते हैं, योग दर्शन उसको कैवल्य कहता है, सांख्य भी कैवल्य कहता है, जैन लोग भी कैवल्य कहते हैं, वहां पर मुक्ति उक्ति की बात ज्यादा नहीं आती है, लेकिन मुख्य जो कैवल्य है। अब तो कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति सब एक ही बात है, तो कैवल्य कैसे मिलेगा? सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य, सत्व अंतःकरण, चित्त मन बुद्धि अहंकार, इस अंतःकरण के नाम चीज एक ही है, इस सत्व कहते हैं। सत्व का अर्थ प्राणी भी होता है और सत्व का अर्थ सार्व रस भी होता है, सत्व का अर्थ अंतःकरण होता है, चित्त मन भी होता है, प्रसंग भेद से अलग अलग अर्थ होते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं जैसे पुरुष शुद्ध है वैसे ही जब सत्व अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तब कैवल्य की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। पुरुष, पुरुष मतलब जीव, आत्मा, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, ये शरीर एक पूर है, पूर मतलब गांव। इस शरीर के पूर में निवास करने वाला जो चेतन है वो पुरुष है, चाहे स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो चाहे नपुंसक शरीर में हो। योग दर्शन और सांख्य दर्शन में जीव चेतन आत्मा को केवल पुरुष ही कहा गया है। तो जैसे जीव शुद्ध है वैसे जब मन शुद्ध हो जाएगा, कैवल्य हो गया, और जब मन शुद्ध हो जाएगा ना तब साहेब का भेद पता चलेगा, तब उस साहेब को हम जान पाएंगे। बोलने से हम नहीं जान पाएंगे, हम कितना भी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं या सब बेकार है, मेरा बोलना काम नहीं आएगा, जीना काम आएगा। हम बोलते बहुत ज्यादा हैं, जीने का काम नहीं कर पाते, यही तो दुख का कारण है। और इसीलिए वो जो साहब है, जीव आत्मा परमात्मा भगवान, उसका भेद हम जान नहीं पाते। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, साहब तेरा भेद न जाने को, हे साहब तुम्हारा रहस्य तुम्हारा भेद कोई जानता नहीं, मतलब बहुत थोड़े लोग जानते हैं। कौन जानते हैं? जिन्होंने सब प्रकार से अपने मन को समेट लिया है, निर्मल निर्विकार, कहीं लोभ नहीं, मोह नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, वैर विरोध नहीं, अहंता ममता नहीं है, बस मात्र शरीर निर्वाह के लिए जो काम कर रहा है, अपने लिए नहीं, शरीर की मजबूरी है, शरीर के लिए जो कुछ भी खाता पीता है, दवा समझ करके, औषध समझ करके, लोगों से मिलता जुलता है, सिर्फ प्रेम का व्यवहार कर, एक सेवक सेवा के कर दो, किसी से कुछ चाहता जो नहीं है, जो मात्र इन लोगों को सही रास्ता मिल जाए, लोग सुख से जिए, दुख से इन्हें मुक्ति मिले, इसलिए जो उपदेश देता है,
इसलिए लोग ज्ञान का प्रचार करता है, उधर से चाहता कुछ नहीं है। और शरीर का निर्वाह उदासीन होकर के बढ़ता है, वही उस आत्मा या परमात्मा का भेद समझ पाता है और कल्याण उसी का होता है। और उसमें नंबर किसी का भी लग सकता है, मैंने कहा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, किसी का भी नंबर लग सकता है। तो जैसे ये जीव शुद्ध है वैसे ही मन को शुद्ध करना होगा। और मन शुद्ध कब होगा? जब खान पान रहन सहन बात व्यवहार कर्म आचरण सोचना विचारना सब संतुलित व्यवस्थित संयमित और शुद्ध भाव लेकर के हो तब। आगे सदगुरु कहते हैं, पानी ले ले साबुन ले ले मल मल काया धोए अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होए। वही बात आ गई, तुम पानी लेकर साबुन लेकर रगड़ रगड़ करके शरीर को धो रहे हो किंतु क्या तुम्हारे अंतर का दाग भी छूट रहा है? और अंतर का दाग नहीं छूटा तो जीवन निर्मल कैसे होगा? सोचो, हम सबको सोचना है। साबुन पानी लेकर के स्नान करने को साहब मना नहीं कर रहे हैं, किंतु जितना हम शरीर को रगड़ते हैं क्या अपने मन को भी रगड़ने का काम करते हैं? कहां रगड़ते, ख्याल ही नहीं है कि मुझे अपने मन को रगड़ना चाहिए क्योंकि मेरा मन गंदा है। किसी भी व्यक्ति को कह दो, मुझे भी कह दो, साहब आप बात बहुत ऊंची ऊंची कर रहे हो लेकिन आपका मन गंदा है। और इस बात को सुन करके मैं दुखी हो गया, नाराज हो गया या गुस्से में आ गया तो सिद्ध हो गया कि सचमुच में मेरा मन गंदा है। क्योंकि गंदा मन ही दुखी होगा, गंदा मन ही नाराज होगा, गंदा मन में ही क्रोध आएगा, निर्मल मन में क्रोध नहीं आएगा, निर्मल मन में दुख होगा ही नहीं। तो किसी व्यक्ति को कह दो कि तुम्हारा मन गंदा है, स्वीकार करेगा? लड़ जाएगा, तुमने कैसे मुझे कह दिया मेरा मन गंदा है? और लड़ने का अर्थ है ये सिद्ध करना सचमुच में मन गंदा है। और जिसका मन निर्मल होगा कोई हो उसे कह दो कि तुम्हारा मन तो बहुत गंदा है, वो शांत रह जाएगा, कि हाँ भैया सही कहते हो, उसी के लिए तो ये साधना कर रहा हूं। कहा जाता है एक संत, बहुत पुराने संत बुजुर्ग त्यागी वैरागी कहीं जा रहे थे, किसी व्यक्ति ने कह दिया कपटी कहीं का बड़ा साधु बना फिरता है, किसी का ही नहीं शरीर, कपटी कह दो तो क्या होगा, निर्मल नहीं होगा। तो संत को कहा कपटी कहीं का बड़ा साधु बना फिरता है, श्याम है ये दिखाई पड़ता है। संत रुक गए और उससे कहा भैया के अंदर 40 साल हो गए साधु हुए, तुमने मुझे पहचाना आज, सचमुच में कपटी ही हूं मैं। मल ही साधना का फल है, मूत्र है, ये काया का पर धारण किया हुआ हूं, कपटी तो हूं ही, कफ है, थूक क्यों है, मन गंदा नहीं था निर्मल था, इनमें से कौन चीज पवित्र? स्वीकार किया कि हाँ भैया आपने सही कहा, 40 साल हो गए साधु हुए, तुमने मुझे पहचाना आज तक, बाकी मुझे पहचान नहीं पाए थे,
कौन कहेगा ऐसा? जिसका मन निर्मल होगा वो कहेगा। अन्यथा तो हम लड़ जाएंगे। तो पानी साबुन ले लेकर के हम रगड़ रगड़ कर इस शरीर को काया को धोते हैं। धोना गलत नहीं है, ना धोए साबुन ना धोए, स्नान न करें, शरीर गंदा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, दुर्गंध निकलेगी इससे, कोई पास में बैठना नहीं चाहेगा। अभी गत वर्ष की बात है, एक उदाहरण याद आ गया, हंसी भी आती है। कुछ लोग, मैं जब वहां था प्रयागराज में आश्रम में, तो कुछ जबलपुर तरफ से भक्त आए थे, पहली बार आए थे, दो परिवार बैठे, तो एक माँ अपने बेटे को लेकर के, साहब बेटा करीब करीब 15-16 साल का रहा होगा, साहब ये कोई बात ही नहीं मानता है, उदंडता है, और कहते साहब ये 15-15 दिन तक नहाता नहीं है, 15-16 साल का बेटा, 15-15 दिन तक नहाता नहीं है। मैंने कहा बेटा तुम नहीं नहाओ, ये गलत हो, तुम्हारा शरीर गंदा हो, बीमार हो जाएगा, क्यों नहीं नहाते? क्या उत्तर दिया जानते? बहुत बढ़िया उत्तर दिया, पानी का शॉर्टेज हो रहा है, आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहा हूं पानी। ये उत्तर तो आप लोग भी, पानी सचमुच घटता जा रहा है, नहाना बंद कर दो, महीना में 2 दिन नहा लो, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए बच जाएगा कम से कम। तो शरीर को नहलाना जरूरी है, नहीं तो पसीना से, गंदगी से शरीर बीमार हो जाएगा, उसके लिए खंडन नहीं है। साहब कहते हैं जैसा शरीर को धो रहे हो ऐसे मन को भी तो धो, और मन का दाग दूर नहीं हुआ, मन का मैल दूर नहीं हुआ, तो तुम्हारी साधना पूरी हुई कैसे होगी? तुम आत्मा परमात्मा को जानोगे कैसे? शरीर को धोएं, साथ साथ मन को भी धोने का काम करें। जब भी स्नान करने जाएं, अकेले होते हैं, और जब शरीर में साबुन पानी लगा करके इसको रगड़ करके धोएं, उस समय सोचें मैं शरीर को तो रोज धोने का काम करता हूं, शरीर को तो, शरीर के मैल को छुड़ा रहा हूं, क्या अपने मन के मैल को भी मैं छुड़ाने का काम करता हूं या कर रहा हूं? जैसे मैं अभी स्नान कर रहा हूं, शरीर के मैल को धोने का काम कर रहा हूं, मुझे अपने मन के मैल को भी ऐसे धोना है, ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा, विचार द्वारा, सेवा द्वारा। साहब ने बता भी दिया रास्ता, ज्ञान का साबुन लाए ना धोजो, सत्संगत का पानी, ज्ञान का साबुन और विचार का पानी लेकर के इस मन के मैल को धोना है। नहाते समय विचार करें, और मैं तो ये भी कहता हूं जब आप टॉयलेट बैठे हो, शरीर गंदगी निकल रही है, सोचो इस शरीर गंदगी निकालने का मैं काम कर रहा हूं, क्या मन गंदगी निकालने का काम करता हूं? टॉयलेट बैठा बैठना आपका भजन हो जाएगा, उसमें साधना बन जाएगी, टॉयलेट जाना भी साधना बन सकता है, लेकिन हम सोचते कहां यहां पर, वहां भी बैठे नाले से शरीर गंदगी निकल रही है, बैठे बैठे किसी के लिए ईर्ष्या देश की बात सोच रहे हो, लड़ाई झगड़े की बात सोच रहे हो, मन तो और गंदा होता जा रहा है। स्नान करते करते भी कहीं से लड़ते हैं, कहीं झगड़ते हैं, कहीं दुकान जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, थोड़ा रास्ता बदलना होगा हमको। रास्ता चलते कहीं भी किसी भी समय स्नान करते खाते पीते मन के मैल को धोने का काम करना है, यही ईश्वर की असली भक्ति है। ये नाम जपना, पूजा करना, कथा कीर्तन कर लेना,
आरती वंदना कर लेना, ये तो ऊपरी भक्ति है। और इससे काम नहीं बनेगा, जो ऐसा करता है करता रहे, ईश्वर की असली भक्ति मन के मैल को धोना, चाहे उसे आप ईश्वर कहो आत्मा कहो कुछ भी कह लो, मन के मैल को धोना। और हमारा जो मन है इसे धोने का काम हमें ही करना होगा। कभी ऐसा हो जाता है शरीर बीमार पड़ गया, असक्त है, तो साथी लोग उठाकर बाथरूम ले जाते हैं और पानी डाल करके नहला देते हैं, रगड़ देते हैं शरीर को। या कभी ऐसा भी नहीं, स्वस्थ भी है, कभी पीठ में या कहीं पर ज़्यादा मैल हो जाता है तो भाई थोड़ा मेरी पीठ रगड़ कर साफ तो कर दो, वो साफ कर देंगे। लेकिन मन बीमार हो जाए तब मन को रगड़ने का काम दूसरा लोग नहीं करेंगे, अपने को ही करना होगा। सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। और मेरा मन कितना साफ है कितना गंदा है ये मैं ही जान सकता हूं। मेरे शरीर में कोई गंदगी लगी हुई है पीठ में या कहीं और, मैं उसे भले ना जान पाऊं क्योंकि पीठ में कोई गंदगी लगी है पीछे साइड में, तो उसे मैं देख नहीं पाऊंगा। दूसरे लोग बताएंगे आपके कपड़े में गंदगी लग गई है, कीचड़ लग गया है आपकी पीठ में, कीचड़ लग गया है या धूल लग गई है या कुछ भी चीज। लेकिन अपने मन की गंदगी को तो मैं ही जान सकूंगा, दूसरे लोग तो नहीं जान सकेंगे। अपने मन का दृष्टा तो हर आदमी स्वयं है। और कोई कह दे साहब आपके कपड़े में दाग लग गया है, आपके शरीर में पीछे तरफ कीचड़ लग गया है, गोबर लग गया है, धो लो, हम नाराज नहीं होंगे कभी, यार ठीक है आपने अच्छा बता दिया। लेकिन कोई आकर कहे साहब आपके मन में मैल लग गया है, आपका मन गंदा थोड़ा धो लो, थोड़ा नाराज हो जाएंगे। यही कमी है हमें। और इतनी बात सुन करके कोई कह दे साहब आपका व्यवहार सही नहीं है, आपका मन गंदा है, इतनी बात सुन करके हम नाराज हो गए, तो कहाँ ईश्वर को जान पाए, कहाँ परमात्मा को जान पाए, कहाँ आत्मा को जान पाए। सब तो जवानी सौदा है ना, और जवानी सौदा काम आना नहीं है। मन साहब मूल है, इसलिए साहब कहते हैं पानी ले ले साबुन ले ले मल मल काया धोए, अंतर्घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे हो। खास बात मन को धोना है। और जब मन धुल गया तब कहीं आत्मा परमात्मा खोजने की आवश्यकता नहीं है। याद होगी सद्गुरु कबीर की साखी, कितनी मस्तानगी में साहब कहते हैं यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसा कहने वाला अकेला कबीर है। अरे संतों ने भी कहा है लेकिन इस ढंग से अकेले कबीर कहते हैं। साहब कहते मैं परमात्मा को नहीं खोजता, मुझे परमात्मा खोजने की आवश्यकता ही नहीं है, परमात्मा मुझे खोज रहा है, मेरे पीछे पीछे घूम रहा है और पूछ रहा है कि कबीर बताओ तो तुम्हारी क्या सेवा करूं, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, परमात्मा मुझे पुकार रहा है। जिसका मन निर्मल हो जाता है उसे परमात्मा खोजने पुकारने का आवश्यकता नहीं है, उसे पुकारने वाला परमात्मा खुद हो जाएगा। कहने का तरीका है निर्मल मन में ही भगवत्ता का साक्षात्कार होगा, वो भगवत्ता बाहर नहीं है भीतर है। जिसका मन निर्मल वही तो भगवान है।
भगवान कोई और अलग नहीं है, जिसका मन निर्मल है वही भगवान है। और ऐसे भगवान की सेवा उपासना करके हम भी अपने मन को निर्मल बना सकते हैं। सुख दुख जीव पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुनरे मन सो मूरत भगवान। जिसे सुख और दुख स्पर्श नहीं करते, मतलब सुख और दुख में जिसका मन आंदोलित नहीं होता, द्वंद्व में नहीं पड़ता, जिसके मन में किसी भी चीज के लिए रंस मात्र लोभ नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए जरा भी मोह नहीं है, और अपने ज्ञान अपनी बुद्धि बल त्याग तप साधना का जिसे जरा भी अभिमान नहीं है। नाना साहब कहते हैं कहाँ खोद रहे भगवान, वो प्रत्यक्ष भगवान तुम्हें मिला हुआ है। ऐसा हम भी कर लें, सुख में दुख में शांत रह जाए, समता भाव में सारे लोभ मोह अभिमान का त्याग कर दें, भीतर का भगवान उद्घाटित, क्योंकि निर्मल हो गया, भगवान का सिंहासन तैयार हो गया, भटकना नहीं है कहीं भी, ठहरना है जहां है, जिस हालत में है मन को मांझने का काम करना है। और जिसने अपने मन को मांझ लिया वो परमात्मा पा गया। और मन जब मन मंजा नहीं है, गंदा है, तो पुकारते रह जाए भले, मिलने वाला नहीं। इसलिए साहब कहते हैं साहब तेरा भेद न जाने को, कि हे साहब तेरा भेद कोई जानता नहीं, कौन जानता है, निर्मल मन वाला। इसलिए हमें और आपको निर्मल मन का धनी बनना होगा, चाहे इसी जीवन में बने चाहे 10 लाख जीवन के बाद बने, पूर्णता उसी में आएगी, उसके बिना पूर्णता नहीं आ सकती है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। जिस हम जितना अधिक इसको दोहराते रहेंगे, कम से कम मन लगा रहेगा अपने आत्मस्मरण में, तो धीरे धीरे प्रेरणा मिलेगी। अहम शुद्ध चैतन्य तो कह रहा हूँ मैं, बिहार में शुद्ध है या नहीं है, मन की एकाग्रता के लिए रास्ता चल रहे हो दोहराते रहो, स्नान कर रहे हो दोहराते रहो, काम कर रहे हो दोहराते रहो, कम से कम मन बाहर भटकेगा तो नहीं, गंदे विचार को तो नहीं सोचेगा, चंचल तो नहीं होगा मन, अपने आपका ख्याल करने के लिए, अपने आप को ज्ञान करने के लिए, मन की चंचलता दूर करने के लिए बड़ा सुंदर मंत्र है। इसलिए हर स्त्री पुरुष को जिन्हें याद है, चाहे वो विद्यार्थी हो, बूढ़ा हो, बालक हो, कोई हो, बराबर को दोहराते रहने की आवश्यकता है।